हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं, जेम्स गन ने जब से टेक ओवर किया है डीसी स्टूडियोज़ का, हमें ये पता है कि एक तरीके से सॉफ्ट रिबूट या हार्ड रिबूट होने वाला है डीसी यूनिवर्स, और सुपरमैन के कैरेक्टर और बैटमैन के कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन क्लियरली अभी हमको नहीं पता है कि हार्ड रिबूट होगा या सॉफ्ट रिबूट होगा। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ये बात निकल के आ रही थी कि जो जेसन ममोआ हैं, जो एक्वामैन का रोल प्ले करते हैं डीसी यूनिवर्स में, वो शायद नए डीसी यूनिवर्स में लोबो का रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि जेसन ममोआ ने कई बार इंटरव्यूज में ये बात बोली है कि वो लोबो का कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं, उन्हें ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम लोग भी जानते हैं कि उनका जो अपियरेंस है वो काफ़ी हद तक लोबो के कैरेक्टर से मिलता है। तो काफ़ी पहले से जेसन ममोआ चाहते हैं लोबो के कैरेक्टर को प्ले करना। तो कुछ वीक्स पहले ये र्यूमर आने लगा था कि शायद जेसन ममोआ लोबो का रोल प्ले करेंगे नए डीसी यूनिवर्स में। अच्छा गाइस, अब जेसन मोमोआ ने एक मीटिंग की है पीटर सेफ्रॉन और जेम्स गन के साथ। लेकिन इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया ये हमको नहीं पता चला है। लेकिन ये हमको पता चल गया है कि जेसन मोमोआ ने मीटिंग की है, और उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, और ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा डिसीजन एक लिया गया है। लेकिन फिलहाल वो नहीं बता सकते कि डिसीजन क्या है। लेकिन जिस हिसाब से ये खुश लग रहे हैं, और ये जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन से इन्होंने मीटिंग की है जो डीसी स्टूडियोज के हेड हैं। तो गाइज, जेसन ममोआ ऑलरेडी एक्वामैन तो प्ले करते ही हैं, लेकिन इन्होंने जेम्स गन और पीटर सेफ्रॉन से मीटिंग की, और उसके बाद ये इतना खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो ये इस तरफ इशारा कर रही है कि शायद जेसन ममोआ लोबो का कैरेक्टर प्ले करेंगे नए डीसी यूनिवर्स में। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गाइज, मेरे ख्याल से ये एक अच्छी ही न्यूज़ है, क्योंकि लोबो का कैरेक्टर एक तरीके से सूट भी करेगा जेसन ममोआ को। और हो सकता है जो हमारा सुपरमैन का रिबूट है उसमें भी लोबो का कैरेक्टर अपियर हो जाए, बहुत सॉलिड चांसेस हैं। या ऐसा हो सकता है कि लोबो को एक टीवी सीरीज मिल जाए, उसके बाद शायद सुपरमैन के रिबूट में लोबो का कैरेक्टर अपियर हो। क्योंकि गाइस, आपको याद होगा जो जेम्स गन है, उन्होंने कुछ दिन पहले ये ट्वीट किया था कि वो एक अनअनाउंस्ड डीसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जो एक टीवी सीरीज होने वाली है। तो गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो लोबो की ही टीवी सीरीज हो जिसपे वो वर्क कर रहे हैं, और जो पहली स्लेट आने वाली है तो मे बी लोबो के कैरेक्टर की सीरीज इसमें अनाउंस कर दी जाए, और उसके बाद में जब सुपरमैन का रिबूट बनाया जाए तो उसमें भी लोबो का कैरेक्टर अपियर करा दिया जाए। लेकिन टीवी सीरीज की वजह से शायद पब्लिक को ऑलरेडी पता हो कि भैया लोबो का कैरेक्टर कैसा है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन अगर जेसन ममोआ लोबो का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहूंगा। बस अब देखना यह है कि गैल गैडोट और एज़रा मिलर के फ्लैश का क्या होता है। अगर एज़रा मिलर फ्लैश के तौर पर रुक रहे हैं नए डीसी यूनिवर्स में, तो गाइस पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे इनका फ्लैश बहुत ज़्यादा पसंद आया है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो गाइस, क्या आपको लगता है जेसन ममोआ लोबो का कैरेक्टर प्ले करेंगे? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।